किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। गाड़ी किसी की धक्का खाए कोई बनेगा लीडर, इतराना है काम किसी का कोई बनेगा हीरो, पर पढ़ने की बात जहाँ है वहाँ है सारे जीरो। लेकिन अब ये मंत्र हमारा, हम चुनेंगे राह सही, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। रोज रोज अब जाके स्कूल, समझ में आई अपनी भूल, पढ़ लिख कर बन सकते हैं इस बगिया के हम भी फूल। हम किसी से कम नहीं, ये है ज्ञान सागर निवास, बड़े शहर के कोलाहल से दूर, शहर के छोर पर बसे शहर और गांव की मिली जुली सभ्यता में अपने आप को रंगे हुए सिटी गांव नाम के गांव में बने फार्म हाउसों में से एक। और ये हैं इस फार्म हाउस के मालिक श्री ज्ञान सागर जी। इन्हीं का सपना ऊपर उल्टा लटक रहा है, उद्योग नगरी में धाक जमाने के बाद अब इनका एक ही लक्ष्य है, यहाँ अपने फार्म हाउस में चल रहे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के इस कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर यानी CEC के माध्यम से इस इलाके के अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोगों को शिक्षा का महत्व समझाना और उन्हें शिक्षित करना। और साथ में हैं इस CEC के प्रेरक श्री रामलोचन, पूर्ण रूप से गांधीवादी और अपने काम के प्रति निष्ठावान। आज यहां CEC में सफाई अभियान का आयोजन हो रहा है। देखिए रामलोचन जी, बोर्ड भी इन्होंने उल्टा टांगा हुआ है, ये तो हाल है इन लोगों का, उल्टे सीधे का भी कोई फर्क समझ में नहीं आता। तभी तो कहता हूँ आपके इस केंद्र की जरूरत सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को तो है। ओए मूर्खो, बोर्ड उल्टा है, सीधा करो। ज्ञान सागर जी, आपने इस केंद्र को चलाकर बहुत अच्छा काम किया है। अब तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती, ना जाने कब ईश्वर के पास से बुलावा आ जाए। अब तो बस इन अनपढ़ लोगों में जो पढ़ लिख कर सबसे ज्यादा काबिल होगा उसे मैं अपना सब कुछ सौंप कर निश्चिंत हो जाना चाहता हूँ। बस अब यही एक इच्छा रह गई है। और ज्ञान सागर जी की इसी इच्छा में सिटी गांव के अधिकतर लोगों का लक्ष्य भी छुपा है। क्या पता ज्ञान सागर जी को कब किसमें वो योग्यता नजर आ जाए। वही जोड़ते का फर्क है। ठीक से जोड़ना बाप, काय को लोचा करता है। संतराम जी, बार बार जोड़ने से फर्क अपनी हो जाता, याद कीजिए सिगरेट पी गए। क्या करता है बाप, जो जो किसी ने सुन लिया तो लफड़ा हो जाएगा। ये ड्राइवर की वर्दी में संतराम है, कभी मुंबई में टैक्सी चलाया करता था, अब पड़ोस में रहने वाले आनंद परिवार की गाड़ी चलाता है। वैसे उनके घर का बाकी सारा काम भी यही देखता है, पढ़ना लिखना आता नहीं है और इसीलिए हमेशा हिसाब में गड़बड़ी होती है। और तब उसका एकमात्र सहारा होता है उसके मालिक का 11 वर्षीय पुत्र जोजो। जोजो को अपनी छुट्टियां CEC में बिताना ज्यादा पसंद है। हमारे जैसा नेता ही देश को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जा सकता है। घर घर में बिजली होगी, पीने के लिए पानी होगा, सबके लिए काम होगा, हम आपकी आवाज संसद तक ले जाएंगे। आज तो ढक्कन गुरु संसद को हिलाकर ही मानेंगे। आप पूछेंगे भाई ये ढक्कन गुरु हैं कौन, इनसे पूछिएगा तो ये कहेंगे जाइए प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजिए। वैसे वास्तव में प्रधानमंत्री तो क्या, किसी संतरी का नंबर भी नहीं मिलेगा इनकी टेलीफोन डायरी में। अनपढ़ हैं और इलेक्शन कभी कोई लड़ा नहीं। हालांकि आप सिटी गांव के किसी भी बच्चे से इनके बारे में जान सकते हैं। इधर देखो बस गंदगी ही गंदगी फैली है, अगर आप हमें मौका देंगे तो हम सिटी गांव की सारी गंदगी एक दिन में साफ करवा देंगे। ढक्कन गुरु, सिर्फ भाषण देने से वोट नहीं मिलेंगे, वोट चाहिए तो जा करके अपने साथियों का सफाई अभियान में हाथ बटाओ। जितना ज्यादा कचरा उठाओगे उतने ज्यादा वोट मिलेंगे। जाओ, सारी नींद खराब कर दी इस आदमी ने। नोटन भैया, आपकी बात 16 आने सही है, यदि हम अभी सफाई अभियान में आगे आगे रहेंगे तो इलेक्शन के समय लोगों को हमारी सेवा याद रहेगी। हमने तो तय कर लिया है कि मंत्री बनने पर आपको ही अपना मुख्य सलाहकार बनाएंगे। अरे इनसे तो आपको मिलवाया ही नहीं, ये हैं लोटन महाशय, एकमात्र यही तो हैं जो हमेशा यहाँ CEC में नजर आते हैं। गलत मत समझिए, ये यहाँ पढ़ने नहीं आते हैं, ये तो यहाँ का परमानेंट हिस्सा है, जैसे यहाँ के पेड़ पौधे या कुर्सी मेज, इधर उधर कहीं भी ऊँगते या सोते नजर आ जाएंगे। लोटन के पास हर बात का ऐसा जवाब होता है कि इनके जवाब ही अक्सर दूसरों के लिए सवाल बन जाते हैं। अनपढ़ हैं पर बात बड़े ज्ञान की करते हैं।
कल ही मुख्यमंत्री जी का फोन आया था, कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, हमारी राय मांग रहे थे, कह रहे थे कि इस बार तो हमें मंत्री पद स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो देखो तुम्हारे ढेर सारे वोट पड़े, जाओ जल्दी जाके उनको बटोर लो। अरे हाँ, और ऐसे में लोग इधर देख भी रहे हैं। अच्छा लोटन भैया, हम चलते हैं। हाँ जाओ। ऐसे ही नेता एक दिन सारे देश की सफाई कर देंगे। तो रंग ले दुपट्टा मेरा। ये पिंकी है, यहीं पास में मिसेस बैनर्जी के फार्म हाउस की देखरेख करती है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मेड सर्वेंट है। पढ़ाई का शौक इसे सीईसी खींच लाता है। वैसे इसके जीवन का भी एक लक्ष्य है, सजना सवरना और अपने आसपास मडराते भवनों को बेवकूफ बनाना। पिंकी के बहुत सारे आशिक तो इसी के चक्कर में सीईसी पढ़ने भी आते हैं। और इनसे मिलिए, ये हैं पिंकी के आशिक नंबर वन, मिस्टर बॉलीवुड यानी श्रीमान हरिया। लगता है आज हाथी मेरे साथी फिल्म देखकर आ रहा है। ये फिल्मों से ही ऑक्सीजन मिलती है इसे। वैसे तो अनपढ़ है लेकिन अपने फिल्मी ज्ञान से हर समस्या का हल ढूंढता है। भाइयों, चुनाव तक इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिएगा। क्या रे हरिया, हम यहाँ सुबह से सफाई में लगे, अब तू है कि बजाय हाथ बटाने को कूड़ा फैलाए जा रहा है। मैटनीशो, उधर बैठा बैठा हूल देता रहेगा या कुछ काम भी करेगा? और ये क्या, तुझे क्या चिड़ियाघर में बंदर की वैकेंसी मिली है क्या? नहीं यार, मैंने भी बिल्कुल ठान लिया है, सन्नी भैया की तरह बॉडी बनाऊंगा, फिर देखना गदर फिल्म की हीरोइन की तरह पिंकी भी सरहद पार से मेरे पास भागी चली आएगी। हरिया, तुझे कीड़े पड़े, मेरी कमर तोड़ दी, मेरी नई ड्रेस खराब कर दी। अपुन सुबह से सफाई कर करके खल्लास हो जा रहा है और तू है अपनी सन पट्टी से बाज नहीं आ रहा है। एक तो केले के छिलके फेंक के गंदगी फैला रहा है, ऊपर से सुंदर सी नाजुक सी प्यारी सी पिंकी की टांग तोड़ दी। ए संतराम, बेकार में पिंकी को मेरे खिलाफ मत भड़का, मैं छिलके यहाँ फेंकूं या कहीं और, तेरा क्या जाता है, ये जमीन क्या तेरे बाप की है? ए, बाप तक नहीं जाना, बोल देता हूँ। हाँ, मुझसे पंगा मत ले, ये मसल देखे, मसल के रख दूंगा। सलमान भाई भी अपने को मानता है, समझा? ए, तूने क्या अपुन को सलीम हट्टी का सलीम कुत्ता समझा है क्या? अपुन ने भी गाँव में गुरु सीताराम के अखाड़े में बहुत दंड पेले। अच्छा तो हाँ, देखे जरा आजा, इसमें कितना है दम। आजा आजा आजा, छुपता किधर है? आजा, देखिए भाइयों, आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है। ओए होए, टांग मेरी टूटी है और लड़ तुम दोनों रहे हो आपस में, तो क्या तू लड़ेगी? ओए होए, नहीं, तुम लोगों के तो वो ही लगना बेकार है, इतना काम पड़ा है, ये सब सफाई कौन करेगा? मिसेस पटेंगर, वहां तो भी हो गया, अभी से कहां फिकवाना है? अभी ऐसे करते हैं, इसको यहीं इकट्ठा कर लेते हैं, एक साथ फिकवा दो। ठीक है। ओह, बहुत देर हो गई, सोचा था 10 मिनट आपके हालचाल ले आऊंगी, कल से आपसे मिलना ही नहीं हुआ, पूरे 2.5 घंटे हो गया। मिसेस पटेंगर, आपके साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता, और आज तो छुट्टी भी है, मिस्टर आनंद घर पर होंगे? जी कहाँ, वो भी कभी घर पर रहते हैं, और आजकल तो वैसे भी बहुत काम है उनके पास, प्रमोशन की जो बात चल रही है। वैसे पिछली बार भी होने वाला था उनका प्रमोशन, पर वो जो शर्मा जी है ना, तगड़ा सोर्स लगवा लिया। ओहो। हाँ, उनका हो गया और ये रह गए। ओहो। ये आप उन्हीं शर्मा जी की बात कर रही है ना, जिनकी बेटी के बारे में आपने एक बार बताया था कि वो अपने से बड़े उम्र के लड़के के साथ शादी कर रही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो मैंने चचिया सास की लड़की के बारे में बताया था, ये तो वो शर्मा जी है जिनके लड़के के बर्थडे में वो मिहिर उपाध्याय अमर उपाध्याय आया था, क्योंकि सास भी कभी बहू वाला। हाँ। बताया था, बहुत सारे मंत्री और नेता भी आए थे। ओहो। ये हैं श्रीमती आनंद, अपने आप में एक चलता फिरता 24 घंटे का न्यूज चैनल। बगल के फार्म हाउस में रहती हैं। इनके बेटे जोजो और ड्राइवर संतराम से तो आप पहले ही मिल चुके हैं। समय गुजारने के लिए श्रीमती पाटंकर के पास अक्सर गपबाजी के लिए आ जाती हैं। वैसे सीईसी के कार्यकलापों में भी काफी दिलचस्पी रखती हैं ये। ये सारा कूड़ा यहाँ क्यों इकट्ठा किया? अभी हम सारा कूड़ा यहीं इकट्ठा कर रहे हैं, बाद में एक साथ फिकवा देंगे। अरे
सफाई के साथ के साथ ही अगर कूड़ा फिकवा दिया जाता तो अच्छा था ना। अरे अगर एक साथ कूड़ा फिकेगा तो समय भी बचेगा और काम भी जल्दी होगा। अगर सारा कूड़ा इकट्ठा ही करना था तो फिर सफाई करवाने का क्या फायदा? अरे बार बार कूड़ा फेंकने में जो समय की बर्बादी होगी उसका क्या? आप तो समझते नहीं ना, अब एक दिन में इतना सारा कूड़ा तो साफ होने वाला है नहीं। ये है मिस्टर और मिसेस पाटंकर, और लीजिए हो गई इनके दिन की शुरुआत। आप सोचते होंगे जो लोग इतना लड़ते हैं वो साथ कैसे रह लेते हैं, पर इसी को तो कहते हैं श्रीमान श्रीमती का अनोखा प्यार, जो दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ सके। फौज से रिटायरमेंट के बाद अब लोगों के बीच ये शिक्षा के प्रचार को ही अपना एकमात्र लक्ष्य मानते हैं, और इनका यही लक्ष्य इन्हें इसी ले आया है। अच्छा अच्छा, अब जो इकट्ठा हो गया है ना उसे तो फिकवा ही देते हैं। अरे नहीं मिस्टर, पहले कूड़ा इकट्ठा होने देते हैं फिर एक साथ फिकवा देंगे। अरे साथ साथ ही कूड़ा फिकता रहे तो अच्छा रहेगा। अरे एक साथ कूड़ा फिकवाने से टाइम भी बचेगा और काम जल्दी हो जाएगा। अरे सफाई के साथ साथ ही अगर हम कूड़ा साथ साथ फेंकते जाएं तो ठीक नहीं रहेगा क्या? एक बात तो आप अब तक समझ ही गए होंगे, मिस्टर और मिसेस पाटंकर कभी भी किसी विषय पर सहमत नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा, अब मैं चलती हूँ, जोजो के खाने का टाइम भी हो गया। अच्छा मिसेस पाटंकर, अच्छा मिस्टर पाटंकर, मैं चलती हूँ। अरे खाना, मैं तो सफाई अभियान के चक्कर में भूल ही गई थी कि आज हमें आपकी दीदी के यहाँ पाठ पर भी जाना है, और हाँ आज हमारा खाना भी तो वहीं पर है ना। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन पहले यहाँ इतना काम पड़ा है, और उन्होंने तो 11 बजे बुलाया था, अब जाने का क्या फायदा, छोड़ो। अरे नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे, आपको क्या सुनना तो मुझे पड़ता है ना, चलिए जल्दी से चलते हैं। ओए होए, तुम लोगों के भरोसे तो ये सफाई अभियान पूरे एक साल में खत्म नहीं होगा। ये देखो मैं क्या लाई हूँ। बम है क्या? अरे फिट्टे मुँह, ये बम नहीं है, ये अंग्रेजी झाड़ू है। बनर्जी साहब इसे फॉरेन से लाए हैं। जरा हम भी तो देखें ये कैसी है फॉरेन की अंग्रेजी झाड़ू। ये तो वैक्यूम क्लीनर है, देखने में तो काफी अच्छा है, सोचते हैं कि इसी को अपना चुनाव चिन्ह रख ले। ओए एक प्रॉब्लम है। हमारे होते क्या प्रॉब्लम, तू ही तो प्रॉब्लम है बे। अब इसे चलाने का तरीका इस किताब में लिखा है, और अब पढ़ना तो मुझे आता नहीं है भाई। हमारे होते चिंता क्या पिंकी, हम हैं तो क्या दो हैं। देखो मेरा चलवा, अभी 2 मिनट में चला के दिखाता हूँ। पहले ही कहा था यही है सारी प्रॉब्लम। भाइयों और बहनों, आपस में लड़ाई झगड़ा छोड़कर हमें देश के हित के बारे में सोचना चाहिए, और देश का हित सफाई में है। सफाई होगी तो गंदगी नहीं बचेगी और लोग स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ लोगों से मजबूत देश बनता है। और सारा दिन वैसे ही बेकार हो गया तुम लोगों के चक्कर में। अब कौआ चला था हंस की चाल, भूल गया खुद अपनी चाल, अब हो जाओ दोबारा से शुरू। पिंकी तेरे कहने पे मैंने सारा कचरा फेंक दिया, अब चलती है क्या 9 से 12? इतनी मौत आई है बे, बुत्तू सिंह पे कचरा फेंकने की हिम्मत किसने की? तभी अपन सोच ले रहा था ये हरिया रखा कूड़ा इतनी जल्दी कैसे फेंक कर आ गया। कौन है बे हरिया? यहाँ सफाई अभियान चल रहा है ना, मैं भी उसमें योगदान करता हूँ इस हरिया को साफ करके। अब जाने भी दीजिए पहलवान जी, अब बेचारा बच्चा है। नहीं है आज फैसला हो जाना था, अपना हरिया भी किसी से डरता है क्या? हरिया बदला लेने का यही तरीका निकाला तूने। मर्द का बच्चा है तो सामने आ, औरत के पीछे क्या छुपता है। पहलवान जी मुझे एक फालतू जरूरी काम याद आ गया, अभी चलता हूँ। हरिया ऐसा कौन सा काम है जो फालतू होकर भी जरूरी है, हम तुम्हारा वो काम कर देंगे। ये फालतू जरूरी काम है, कर देगा। भैया अपुन तो तेरी भलाई की बात कर रहा है, अगर तू इस मोटू की धुलाई कर देगा ना तो
तो पिंकी से तेरी फुलटू सेटिंग हो जाएगी, समझता नहीं है यार। हाँ हाँ, मैं किसी से डरता हूँ क्या? कुत्तू सिंह आ जाना, मैंने तेरे को सत्तू ना खिला दिया तो मेरा नाम भी हरिया नहीं। आप देखे जरा कितना है तुम। इधर आ, दिखाता हूँ तुम। फेरो एक मिनट, अब क्या हुआ? मैंने इरादा बदल दिया कुत्तू सिंह, जा मैंने तेरे को छोड़ दिया, वरना कहता फिरेगा कि हरिया ने अपने इलाके में मुझे पीटा। मैंने इरादा नहीं बदला है। हाँ आ जाना शाम को 6 बजे, यहीं तुम दोनों के बीच में फैसला हो जाएगा दंगल में। क्यों हरिया? हाँ हाँ ठीक है। तो ठीक है, शाम को मिलते हैं और तुम सब आ जाना, कम से कम 4 आदमी तो चाहिए होंगे इसको शमशान ले जाने के लिए। ये तुमने क्या किया हरिया, जोश में आकर होश खो दिए। कम से कम 200 किलो का तो होगा। अरे हरिया तू पागल हो गया है क्या? ये तुझे कच्चा चबा जाएगा। आने दो शाम को इस गैंडे को, मैं किसी से डरता हूँ? अरे इसके जैसे 10 पहलवान को मैं एक साथ धूल चटा सकता हूँ। 200 किलो का पहलवान तो मार डालेगा। तुझे मार डालेगा ये पहलवान। ओए होए तू घबरा नहीं, मैंने सोच लिया है कि अब क्या करना है। मैं तो लगता है कि हमें पुत्तू सिंह जी के अखाड़े पर जाकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। ना बड़ा अपमान, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ओए ओए चुप कर, जरा ये तो सोच जब सर साहब और मैडम साहब को पता लगेगा वो तेरा क्या हाल करेंगे। असली मजा तो तब आएगा जब ज्ञान सागर जी को पता चलेगा इस टाल के पैसों में बालकनी में फिल्म देखने का मजा आएगा। तेरी तो मैं संतराम, इस मुसीबत की जड़ तुम ही हो, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। देख हरिया, ऐसे तो तेरा कुछ होने वाला नहीं, अपुन एक काम करता है, तुझे एक ऐसी चीज देता हूँ जिसे पीते ही तू ट्रक की माफिक मजबूत बॉडी वाला हो जाएगा। अच्छा ये ले इसे पी जा। रुक जा हरिया, मुझे इसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या दे रहा है। हाँ पिंकी, क्या पता ताकतवर फिल्म के बीच में शहीद फिल्म का ट्रेलर दिखा दे। ठीक है मत करो भरोसा, अपुन को क्या, ये तो अपुन मुंबई से लेकर आया था अपने लिए, इसे रोज दूध में मिलाकर पीने से ताकत आती है, इंग्लिश में इसे हेल्थ टॉनिक कहते हैं। हाँ हाँ हरिया संतराम ठीक कह रहा है, इस बॉटल को देख, इस पे पुत्तू सिंह से भी मोटा पहलवान बना हुआ है। देख भीड़ू, 10 बात की 1 बात, अब तुझे सिर्फ यही बचा सकता है, अगर अपनी साइकिल की बॉडी में अम्बेसडर की जान डाल ली है तो इसे पी जा। ये संतराम आज कोई आविष्कार करके ही मानेगा। अगर इस देर पसली को उस घंटे से लड़वाने के लिए मजबूत बनाना ना तो इसे पीना ही पड़ेगा। ए, पीना है तो पी, टाइम खोटी मत कर। मेरे अंदर तो अभी से इसका असर होने लगा। माफ कर दीजिए, फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा। मार डालूंगा, काट डालूंगा, काट डालूंगा, चीर डालूंगा। माफ कर दीजिए हरिया जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। काट डालूंगा, फोड़ डालूंगा, काट डालूंगा, फोड़ डालूंगा, मार डालूंगा, काट डालूंगा, फोड़ डालूंगा। ओए संतराम के बच्चे, ये तूने इसको क्या पिला दिया है, ये ताकत की दवा है या सोने की? ओ हरिया उठ, उठ हरिया, 6 बज गए, उठ। क्या हुआ, क्या हुआ? ओए होए, अब सपना ही देखता रहेगा क्या, सारा टाइम सोने में निकाल दिया है। चल वो पुत्तू सिंह पहलवान खड़ा तेरी राह देख रहा होगा। लेकिन मैंने तो अभी उसका बैंड बजाया था, फिर से कहां से आ गया?
मेहताब कोई नहीं आएगा, सब डर गए। जो डर गया सब जो मर गया। भाइयों क्या है, चलो यहाँ से चलो, आज की कुश्ती कैंसिल, कोई कुश्ती नहीं होगी। मैंने अभी अभी अशोका फिल्म के शाहरुख खान की तरह हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। बुद्धम शरणम गच्छामि। ओए तू कहाँ जा रहा है, आज तू सही सलामत वापस नहीं जाएगा। लगता है तू मार खाए बिना मानेगा नहीं। सच्ची कहा गया है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप तेरी इच्छा पूरी कर ही देते। एक मिनट, मुझे मालूम था तुम अपना इरादा जरूर बदल लोगे, तुम बहुत ही समझदार लगते हो। इस दंगल का कोई रेफरी तो होना ही चाहिए, नहीं तो ये चूहा कहेगा कि मैंने इसके साथ बेईमानी की है। अपुन है, तुम लोग बिंदास होके कुछ की रहे हो। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ की तो अगला नंबर तुम्हारा है। ए संतरांत, अब तूने कोई गड़बड़ की ना तो मैडम मेम साहब से तेरी शिकायत लगा दूंगी। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तुझसे मिलने को ना आएंगे सनम आज के बाद। घबराओ मत हरिया, हमने संचार मंत्री से बात कर ली है और वो तुम्हें विकलांग कोटे से तीसियों बूथ दिलवा देंगे। अपना थोबड़ा ठीक कर, ऐसा लगता है जैसे भूत देख लिया हो। ठक्कन गुरु, अगर मैं मर गया तो मेरी माँ से कहना कि ज्यादा रोए नहीं। और पिंकी, तुम इस लाल सूट में बहुत अच्छी लगती हो। संतराम के बालों को प्यार से छूना और कस कर उसका गला दबा देना। और भैया, अगर तू मरा नहीं, बस तेरे हाथ पैर ही टूटे या तेरी आंखें बाहर निकल आई या तेरी बोलने की ताकत चली गई, तब किसको क्या कहना है ये भी बता दो। साथ, देखो ये हीरो के हाथ पैर हैं, ज्यादा जोर मत लगाना नहीं तो निकल जाएंगे। नाटक कर रहा है ये। डॉक्टर बुलाओ क्या? मैं ठीक हूँ। मैडम पुत्तू सिंह ने शुरू किया था। तुम तो संतराम चुप रहो, कूड़ा उसने अपने ऊपर खुद तो डालने लिया था ना। आप क्यों नहीं कहते इनसे कुछ? हाँ, ये किस तरह का सफाई अभियान था जो अपने घर का कूड़ा उठाकर सड़क पे या आसपास के घरों में फेंका? अरे सफाई का मतलब ये होता है कि अपने घर के साथ साथ आसपास की सफाई भी करना। कहाँ है आर्या? इन
इंटरवल के बाद की पिक्चर बाकी है क्या? जुदेव, अपने चरणों में जगह दीजिए, आप महान हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए कि ना तो आपने मुझे हाथ लगाया, ना मैंने आपको हाथ लगाया, फिर ये महान काम आपने किया कैसे? तो क्या मतलब, आपने हरिया की ये हालत नहीं की है? नहीं मैडम जी, इन्होंने बगैर मुझे मारे और बगैर मुझसे मार खाए मुझे जीत कर दिया। आपकी जीत का राज क्या है गुरुदेव? अपुन। नहीं, अपुन का मतलब है अगर अपुन नहीं होता था तो ये हीरो तो गया था ना बारह के भाव। ओए होए नहीं, अगर हरिया ने वो हेल्थ टॉनिक नहीं पिया होता तो उसमें इतनी ताकत कहाँ से आती? ओ, तो आप थे इस अर्जुन के सारथी, मुझे भी दीजिए ना वो जादुई हेल्थ टॉनिक जिसे पी के सरपत पहलवान में इतनी ताकत आ गई कि मुझे यानी पुत्तू सिंह पहलवान को हरा दिया। ये ले पुत्तू सिंह, ऐश कर। आज अपुन का मूड फिफ्थ गियर में है, अपुन का यार तुझे हरा कर चैंपियन बने रहा है। ये क्या है, जरा मुझे दिखाइए तो। सुन, जैसे ऑटो रिक्शा में पेट्रोल के साथ टूटी ऑयल मिलाते हैं ना, वैसे ही से दो चम्मच दूध में मिला के पीने का, फिर तू भी अपुन के हरिया जैसा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जो भी इस हेल्थ टॉनिक को पिएगा वो बिल्कुल हरिया की तरह हो जाएगा। बिल्कुल अधमरा, मैं तब से यही सोच रहा था कि पहलवान ने तो हरिया को हाथ भी नहीं लगाया, तो इसकी ये हालत कैसे हो गई? क्या मतलब? मतलब ये कि हरिया की हालत खराब हुई क्योंकि ये हेल्थ टॉनिक खराब, खास तौर पर दवाइयों के ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, या तो उसके डब्बे पर या उसकी शीशी पर, जिस डेट के गुजर जाने के बाद उसका इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। और इस हेल्थ टॉनिक की एक्सपायरी डेट निकले तो महीनों बीत चुके हैं। साहब, ये अपुन सब क्या जाने, अपुन पढ़ेला लिखेला किधर है? इसीलिए तो कहती रहती हूँ कि कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो, अभी भी देर नहीं हुई है। इसीलिए तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। हम किसी से कम नहीं, उर्दू सेटिंग वाला फंडा थोड़ा बदल गया है, अनपढ़ नहीं रहेंगे यारो, हमने सोच लिया है, घूम गया है भेजा अपना, सब कुछ पढ़ जाएंगे, हिंदी इंग्लिश उर्दू जर्मन सब में पतियाएंगे।